नमस्कार दोस्तों, आज हम जाएंगे ऐहोली दुर्गा टेम्पल में। तो आप देख सकते हैं मंदिर का जो चित्र है बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो इस मंदिर में जाते वक्त हमें एक पास लेना पड़ता है, एक टिकट लेना पड़ता है। उसके लिए इंस्टेंट बुकिंग का क्यूआर कोड भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे स्कैन करके पे करके अपना टिकट ऑनलाइन लेके हम लोग आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टिकट लिया और हम लोग आगे जा रहे हैं। तो ऐहोली दुर्गा टेम्पल, ऐसे इस टेम्पल का नाम है, भारत के कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में बादामी के निकट एक स्थल है जो अपने प्राचीन मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध है। यह पतदकल के पूर्व में मलयप्रभा नदी के तट पर स्थित है। बादामी इसके पश्चिम में स्थित है। ऐहोली के प्राचीन स्मारकों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया हुआ है एवं इनके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने के प्रयास जारी है। ऐहोली के इस मंदिर का नाम दुर्गा मंदिर इसलिए दिया गया है, दुर्गा टेम्पल इसको इस वजह से कहा जाता है, 13वीं शताब्दी में जब हिंदू राज्यों और इस्लामी सल्तनतों के बीच युद्ध की स्थिति थी तब इस मंदिर के ऊपर एक दुर्ग जैसी संरचना का निर्माण किया गया था। तो यह मंदिर सूर्य को समर्पित है, पर अभी इस मंदिर का नाम दुर्गा मंदिर है। इस मंदिरों में कई देवियों की मूर्तियाँ, हरिहर की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति हमें दिखाई देती है। इस मंदिर के स्तंभों पे पशु पक्षियों के चित्र, देवी देवताओं के चित्र हमें दिखाई देते हैं। ये रेड सैंड स्टोन के बने हुए मंदिर हैं। यहाँ पे आप जहाँ पे भी देखोगे तो आपको रेड स्टोन ही दिखाई देगा और ऊपर भी छत में भी कुछ तो दिखाई देता है। यहाँ पे महाभारत की बहुत सारी कथाएं हमें दिखाई देती हैं जो छत के ऊपर उन्होंने बनाई हैं। और जब भी हम मंदिर का पूरा फेरी कंप्लीट करते हैं या तो पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं तो हमें अलग अलग तरह के चित्र दिखाई देते हैं। बहुत ही सुंदर चित्र है, कहीं पे शिव जी है, कहीं पे हरिहर है, कहीं पे नरसिंह है, कहीं पे वराह अवतार है और कहीं पे महिषासुरमर्दिनी है। तो इस तरह से इन सभी मंदिरों का जो सुंदरता है वो इन्हीं सभी शिल्पकलाओं से है। तो आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर लग रही है ये सारी मूर्तियाँ। यहाँ पे वराह अवतार है, आगे जाके देखोगे तो आपको अलग अलग तरह के देवी देवताओं के चित्र देखेंगे। इसी मंदिर के एकदम सामने एक म्यूज़ियम बना हुआ है। उस म्यूज़ियम में जो भी वस्तुएँ कुछ ख़राब हो गई है, किसी वस्तु को कुछ नुकसान पहुंच गया है या उन सभी चीज़ों का एक कलेक्शन कर रखा है। म्यूज़ियम में वीडियो को अलाउ नहीं है इसलिए उस म्यूज़ियम का वीडियो हम लोग ले नहीं सकते, बट बाहर की जो चीज़ें रखी थी, बाहर बहुत ही सुंदर तरह के स्टोन डेकोरेट किए हुए थे, गणेश जी की मूर्तियाँ थी, बहुत सुंदर देवी देवताओं के चित्र थे, वो हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो आप देख सकते, मैं आपको छत वाली चीज़ दिखा रही हूँ तो वहाँ पे भी फूल बहुत ही सुंदर तरह से दिखाई दे रहे हैं। ये सभी एक स्टोन में बना हुआ मंदिर है। इसी मंदिर के एरिया में हमें बहुत छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं और यहाँ पे के मंदिर में कई मंदिरों में बहुत सारे संतों के नाम से उन मंदिरों का नाम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यह दुर्गा मंदिर है, बट यहाँ पे कोई भी महिषासुरमर्दिनी या दुर्गा का कोई भी हमें यहाँ पे डिटी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी डिटीज़ है वो कुछ चीज़ों की वजह से कुछ ख़राब हुआ है, कुछ डैमेज हुआ है, तो उन सभी चीज़ों को म्यूज़ियम में रखा गया है। और ये सारी चीज़ें जो स्टोन में बनी हुई है तो कभी बारिश की वजह से, कभी धूप की वजह से ये थोड़ी बहुत डैमेज हो ही जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। ये जो बीम है, अंदर जाने वाले बीम है, तो वो बहुत ही सुंदर उन्होंने डेकोरेट की है। आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से इन चीज़ों पे उन्होंने नक्शीकाम किया है। अब ये दुर्गा मंदिर हम लोगों ने देख लिया और अभी हम दूर देख रहे हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं। तो इन पत्थरों पर कुछ देवी देवता, कुछ पशु, कुछ प्राणियों के चित्र हमें दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये म्यूज़ियम जो आगे दिख रहा है वो बिल्डिंग म्यूज़ियम है और उसी के सामने ये जो पत्थर रखे हैं ये भी किसी चीज़ों की स्टैचूज़ है। तो आप देख सकते हैं यह कहीं शेषनाग दिखेंगे, कहीं देवी देवताओं के थोड़े बहुत जो हमें बॉडी पार्ट्स है वो दिख रहे हैं, कहीं पर हमें वराह अवतार दिख रहा है, कहीं पर छोटे छोटे द्वारपाल दिख रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने स्टोर करके रखी है जो कि हमें अपने हाथों से जाने नहीं देना है, बल्कि उसको एज ए म्यूज़ियम या तो एक मेमोरीज करके रखना है। तो आप देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को बहुत ही सुंदर तरीके से नक्शीकाम किया गया है और ये ऐहोले की जो टेम्पल्स है उसी में से लिए गए हुए चित्र या तो स्टोन्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाग देवताओं की भी कितनी वैरायटी दिखाई गई है। यहाँ पे जैन साधु हैं,
तो इस तरह से ये म्यूज़ियम में वीडियो अलाउ नहीं था, इसलिए जो बाहर चीज़ें रखी थी बस उसी चीज़ों का हम लोगों ने आपके लिए वीडियो लिया है। तो आगे आप देखेंगे बहुत ही सुंदर चित्र दिख रहे हैं। तो कुछ कहीं जगह पे लायन है, कहीं जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे का पूरा नेचुरल ब्यूटी जो दिख रहा है वो ऐसे है कि रेड स्टोन में, लाल पत्थर में बने हुए मंदिर है, ऊपर नीला नीला आकाश है और नीचे सारी ग्रीनरी है। तो आप देख सकते हैं ये दूर से दिखते हुए भी बहुत ही सुंदर दिखता है, और पास जाने के बाद ये जो पत्थर है ये एकदम ठंडा है। अंदर अंदर जाके आप अगर मंदिर में बैठोगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही ठंडक फील होता है। तो ये है बहुत ही सुंदर दुर्गा टेम्पल में के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत सारे स्कूल ट्रिप थे। आप यह वीडियो पूरा एंजॉय करो और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मैंने इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रखी है, जो कि गोर्डर टेम्पल है, लड़ाखन टेम्पल है। नेक्स्ट आप जाओगे तो आपको यही यही मंदिर के बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर दिखाई दे गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और इसी तरह से आपको नए नए वीडियो इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, और वो भी स्पेशली आपके जो कमेंट रहेंगे उसके बेसिस पे न्यू न्यू वीडियोस बनते रहेंगे। तो इसलिए कमेंट करना ना भूलें। आप देख सकते हैं यह बहुत ही सुंदर दृश्य है, और इस मंदिर को अगर दूर से दिखाई देखते हैं तो शिवलिंग की तरह दिखता है, और पास जाके देखते हैं तो वो दुर्गा टेम्पल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस मंदिर के जो स्तंभ है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, और अंदर शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान की कोई भी डिटी इसलिए नहीं रखी गई कि जिस जिस चीज़ का या जिस वस्तु का नुकसान हो जाता है तो उसको एज अ डिटी हम लोग उसको पूजा नहीं जा सकता। तो इसलिए उन लोगों ने एक म्यूज़ियम में उस सब चीज़ों का कलेक्शन किया है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा।